फ्रेंड्स, अभी हम आए हुए हैं मध्य प्रदेश के सतना जिले में। ये है सतना का रेलवे स्टेशन। यहाँ पे एक इंजन खड़ा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं, WDS-40 बांद्रा। यहाँ पे आप सेल्फी वगैरह ले सकते हैं। किसी भी एरिया से अंदर आने के लिए ये है एक रास्ता। ये है दूसरा रास्ता, इसके अपोजिट साइड है। यहाँ पे पड़ेगा आपको, ये जो ऑटो दिख रहे हैं उसके सामने पड़ेगा। ये यहाँ का पूरा इतने एरिया में पूरा बना हुआ है। इसके दो एग्जिट गेट हैं, एक यहाँ पे है, एक वहाँ पीछे है लास्ट में। और यहाँ पे रिजर्वेशन काउंटर है, इसके जस्ट बगल में RPF है। और यहाँ पे हमेशा देख सकते हैं, जैसा कि बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है प्रिज्म का। यहाँ पे हमेशा ये सीमेंट कंपनी के नाम से जाना जाता, सतना सिटी है, ये सीमेंट नगरी के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पे ये बड़े एरिया पे जो पोस्टर लगा होता है हमेशा सीमेंट कंपनी का लगा होता है। अभी जैसे प्रिज्म का लगा हुआ है, तो JP का लगता है और दूसरी कंपनी का लगता है। यहाँ पे छोटा सा हनुमान जी का मंदिर है, जहाँ पे पूजा चल रही है। और आपको सामने मिल जाएगा डिलेक्स शौचालय, उसके पीछे मिल जाएगी आपको पार्किंग। वहाँ पे आपको 2-व्हीलर और साइकिल की पार्किंग मिल जाएगी। 4-व्हीलर की पार्किंग आपको यहाँ सामने मिलेगा। यहाँ आपको रेलवे का लेट नाइट डाइन लाइट मिल जाएगा, जो कि 24/7 ओपन रहता है। ये जस्ट रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये रेलवे स्टेशन है। और इसके बगल में है, सामने गोडाउन है, वहाँ पे माल वगैरह वहाँ पे खाली होता है। और अगर आपको रीवा जाना है तो वो डायरेक्ट यहाँ से जैसे आप निकलेंगे, यहाँ आपको रीवा के लिए यहाँ सामने आपको बस मिल जाएगा डायरेक्ट, नॉन स्टॉप जो बसें होती हैं वो रीवा 1 घंटे कुछ मिनट में पहुँचा देती हैं। तो आप यहाँ से बस ले सकते हैं। और यहीं से आपको सिटी बस भी मिल जाएगी, यहाँ अंदर आपको सिटी बस मिल जाएगी। उसके आगे आप जाएंगे वो कॉर्नर पे, जहाँ पे आप कार दिख रही है, वहाँ पे आपको रीवा के लिए नॉन स्टॉप बस मिल जाएंगी। देख सकते हैं आप, यहाँ का ऐसा व्यू मिल सकता है आपको। और ट्रेन कोच भी है, वहाँ पे आप बैठ के फैमिली के साथ डिनर वगैरह कर सकते हैं या चौपाटी का मज़ा ले सकते हैं। रेल कोच रेस्टोरेंट है और ये 24 घंटे खुला रहता है। और आपको तरह तरह के खाने मिल जाएंगे यहाँ पे। अगर आप सतना ज़िले में रह रहे हैं और आपको लेट कुछ खाने का मन कर रहा है, जैसे 12 बजे ऑलमोस्ट सतना सिटी बंद हो जाती है, तो आप यहाँ आके अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ आसपास की दुकानें भी ओपन रहती हैं। बस स्टैंड से करीब 1.5 किलोमीटर दूर पर रेलवे स्टेशन है यहाँ का। और यहाँ पे आने के लिए 2 रास्ते हैं। एक पहला रास्ता ये है जहाँ से बाइक वगैरह आ रही हैं, दूसरा रास्ता उस साइड से है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक ऑटो आ सकते हैं केवल, और 2-व्हीलर आ सकते हैं। ये कॉर्नर का साइड है, ये यहाँ से देख सकते हैं, जैसे ये मेन स्टेशन है, ये कॉर्नर से यहाँ से आप जैन नगर साइड जा सकते हैं। ऊपर से ब्रिज बना हुआ है और बिना टिकट के अंदर घुसना हुआ या बाहर निकलना हुआ तो यहाँ से आराम से निकल सकते हैं, घुस सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। यहाँ हम आपको ये दिखाएंगे रिजर्वेशन काउंटर, वहाँ पे कॉर्नर पर पहले ATM लगा हुआ था, अभी ATM नहीं लगा हुआ है। ये रिजर्वेशन काउंटर है, देख सकते हैं आप। ये हम आ चुके हैं रेलवे स्टेशन के अंदर, ये अभी बाहर ले दिया है। और सामने आप देख सकते हैं, वहाँ पे आप जनरल टिकट वगैरह ले सकते हैं। यहाँ पे वेटिंग वाली है और आपको वाईफाई भी आराम से मिल सकता है। यहाँ यहाँ पे 1 District 1 Utpad वाला भी बनाया गया है। यहाँ पे हैंडमेड ये देख सकते हैं, झोले वगैरह मिल रहे हैं, बैग मिल सकते हैं, आप ले सकते हैं। यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, सामने काउंटर है। ये इसका अंदर का गेट है, देख सकते हैं, ये बाहर से यहाँ से आए हुए हैं, ये अंदर है। एक दूसरा भी एंट्री गेट है और आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ प्लेटफार्म नंबर 1 है और वहाँ प्लेटफार्म नंबर 2 और 3 है जहाँ से मालगाड़ी आ रही है। फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा।